Hello students, hello friends, hello guys. First of all, good morning to everyone. It is me, your friend Adesh Sharma. Today I am going to tell you essential structure, essential phrases in daily use. Some essential and excellent phrases in daily use. Long time no see, long time no see. कब बोलते हैं? जब किसी से कहते हैं बहुत दिनों बाद मिले. कहाँ थे? बहुत दिनों बाद मिले. तो क्या बोलते हैं? लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी. द सेकंड फ्रेज ऑफ द डे, व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम. इट मींस कितने शर्म की बात है. व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है. द नेक्स्ट फ्रेज ऑफ द डे, आई विल ट्राई माय बेस्ट, आई विल ट्राई माय बेस्ट. इसका मतलब होता है मैं अपनी पूरी पूरी कोशिश करूंगा. आई विल ट्राई माय बेस्ट. द नेक्स्ट फ्रेज ऑफ द डे, टच वुड, टच वुड. क्या बोलते हैं? टच वुड का मतलब होता है कहीं नजर ना लगे. टच वुड, कहीं नजर ना लगे. द नेक्स्ट फ्रेज ऑफ द डे इज व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस. क्या बेहूदगी है, क्या बेहूदगी है. व्हाट नॉनसेंस हिंदी, इसकी हिंदी है क्या बेहूदगी है. द नेक्स्ट फ्रेज, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया. क्या सोच है, क्या सोच है, क्या विचार है. द नेक्स्ट फ्रेज ऑफ द डे, वॉच आउट, वॉच आउट. संभल कर चलो, संभल कर चलो. वॉच आउट, संभल कर चलो. द नेक्स्ट फ्रेज ऑफ द डे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. इसे कब बोलते हैं? यह दिन बार बार आए. किसी की मैरिज एनिवर्सरी बोल सकते हैं या किसी की बर्थडे पर बोल सकते हैं. मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, वेरी एक्सीलेंट फ्रेज. द नेक्स्ट फ्रेज ऑफ द डे, the next phrase of the day, you can say what a pity, what a pity. कितने दुख की बात है. what a pity, कितने दुख की बात है. the next phrase of the day, please keep quiet, शांत रहिए. please keep quiet, शांत रहिए. the next phrase of the day, hurry up, hurry up. जब किसी को कहना हो जल्दी करो, कहीं जाना है जल्दी में, hurry up. क्या बोलते हैं? hurry up. तो dear student, इस तरह की जानकारी के लिए, मॉडर्न इंग्लिश के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने बोलें. दैट्स ऑल फॉर द डे. हैव अ नाइस डे.